हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल एजेई। आज हम लोग एसएससी जेई एग्जाम का सिलेबस को देखेंगे। तो जो लोग भी एसएससी जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो जो है बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो से आप लोगों को जरूरी फायदा मिलेगा। अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा, उसके बाद कॉमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ फायदा मिला या नहीं। पहले जो है हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो है सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में, एसएससी जेई में हमारा एग्जाम पैटर्न क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग पेपर देखेंगे। तो यहाँ पे दो पेपर होता है, पेपर वन जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, पेपर टू जो कि कन्वेंशनल टाइप होता है, जिसमें हम लोग को लिखना पड़ता है। ठीक है, पेपर टू में। तो पेपर वन में हमारा वो टाइम ड्यूरेशन देखते हैं। पेपर वन हमारा जो होता है वो 2 घंटे के लिए होता है। पेपर टू भी जो है हमारा होता है वो 2 घंटे के लिए होता है। ठीक है, उसके बाद से हम लोग नंबर देखते हैं कितने मार्क्स का पेपर वन जो है पूछता है। तो पेपर वन जो है मैक्सिमम जो है 200 नंबर के लिए होता है, मतलब 200 मार्क्स के लिए होता है मैक्सिमम, यहाँ पे लिखा हुआ तो मैंने पढ़ दिया। उसके बाद से पेपर टू जो होता है वो 300 यानी कि 300 नंबर का होता है। उसके बाद से पेपर वन में हमारा सब्जेक्ट क्या क्या है। तो पेपर वन में जो है हम लोग इंटेलिजेंस रीजनिंग यानी कि हम लोग रीजनिंग वाला पार्ट हमारा जो होता है 50 मार्क्स का होता है। उसके बाद से जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट जो होता है 50 मार्क्स का होता है, और जनरल इंजीनियरिंग जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि हम लोग जो है जनरल इंजीनियरिंग कितने नंबर का पूछते, 100 मार्क्स के लिए। जनरल अवेयरनेस जो है 50 मार्क्स के लिए, और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग जो है 50 मार्क्स के लिए। और ये तीनों सेक्शन के लिए हम लोग को 2 घंटे टाइम मिलता है, 2 आवर्स। उसके बाद से हमारा जो पेपर टू जो होता है, यहाँ तो हमारा पेपर वन हो गया ऑब्जेक्टिव टाइप होता है पेपर वन। इसमें हम लोग को सिर्फ जो है क्वेश्चन गिवन होगा और उसमें 4 ऑप्शन होगा, उसमें से कोई एक टिक करना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन जो होता है वो 1 नंबर का होता है, यानी कि हमारा जो 200 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पे, 200 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें नंबर सब क्वेश्चन जो होगा 200 होगा। ठीक है, और टाइम कितना देर होगा इसमें, 2 आवर्स यानी कि 120 मिनट यहाँ पे हम लोग को टाइम मिलेगा, 120 मिनट। यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों। उसके बाद से देखिए यहाँ पे हम लोग जो है पेपर टू के बारे में डिस्कस करते हैं। पेपर टू जो होता है वो कन्वेंशनल टाइप होता है, इसमें हम लोग को डिस्क्रिप्टिव यानी कि लिखना पड़ता है, और ये जो होता है 2 घंटे के लिए होता है, और ये 300 नंबर का होता है। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग एग्जाम पैटर्न देख लिए। अब जो है इसके बाद हम लोग यहाँ तक भी जो है आप लोगों को अगर कोई दिक्कत होगा तो जरूर बताइएगा, क्योंकि ये इतना हम लोग को पता जरूर होना चाहिए। अगर कोई भी एग्जाम हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एग्जाम पैटर्न हम लोग को मिनिमम पता होना चाहिए। उसके बाद से हम लोग को दूसरी बात जो है वो सिलेबस पता होना चाहिए। उसके बाद से हम लोग फिर देखते हैं कि सिलेबस के अंदर जो है कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहाँ से जो है हमारा नंबर सब क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि पूरा पढ़ पाना या पूरा याद रखना किसी के लिए मुश्किल होता है। अगर कोई याद रखता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मिनिमम पढ़ के मैक्सिमम आउटपुट दिया जाए तो वो सबसे बेहतर होता है। तो यहाँ पे जो है हम लोग सिलेबस देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में देखिए, सबसे पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट जो है बेसिक कॉन्सेप्ट का सिलेबस होता है। इसके अंदर जो हम लोग को हमारा रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, उसके बाद से हम वोल्टेज सोर्स, करेंट सोर्स, यानी कि कुछ जो है हमारा, जैसे देखिए यहाँ पे हमारा जो है बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर जो है हमारा हमारा इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, उसके बाद से कैपेसिटेंस, उसके बाद से कुछ यूनिट्स के बारे में जैसे पूछ देता है कि रेजिस्टेंस का यूनिट पूछ देता है, इंडक्टेंस का यूनिट पूछ देता है, इंडक्टेंस का बेसिक फार्मूला पूछ देता है। उसके बाद से हमारा स्टार डेल्टा जो नेटवर्क होता है उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू पूछ देता है, एकदम बेसिक जो है इस यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम होता है। उसके बाद से जो है इसमें हमारा एक और इम्पॉर्टेंट है कि हमारा जो एनर्जी पावर इसका यूनिट भी पूछ देता है। इसमें हमारा जो है कैसे पावर फाइंड आउट करेंगे, कैसे एनर्जी निकालेंगे। उसके बाद से हमारा जो कैपेसिटर है उसमें हम एनर्जी स्टोरिंग फार्मूला उसमें कैसे यूज करेंगे, वोल्टेज का इक्वेशन क्या होगा, करंट का इक्वेशन क्या होगा, एकदम बेसिक जो है हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट में कवर हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे हमारा आता है सर्किट लॉ। ठीक है, सर्किट लॉ में जो है हमारा नॉर्मल जो है हम लोग बेसिक सर्किट गिवन रहेगा, उसमें से हम लोग को करंट या वोल्टेज का वैल्यू या फिर पावर का, जैसे हमारा नेटवर्क गिवन होगा, ये सर्किट गिवन है, वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, आर के अक्रॉस पावर का वैल्यू क्या होगा, आर के अक्रॉस करंट का वैल्यू क्या होगा, एक सिंपल या कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा घुमा करके बहुत ही मतलब आसान सर्किट में। उसके बाद से हमारा जो लॉ है यानी कि सुपरपोजिशन थ्योरम हुआ, मैक्सिमम पावर थ्योरम हुआ,
रेसिप्रोसिटी थ्योरम का हमारा जो है स्टेटमेंट पूछ देगा, या फिर हमारा मिलीमेंस थ्योरम का जो है स्टेटमेंट पूछ देता है, एकदम बेसिक क्वेश्चन जो यहाँ से। थेवेनिन्स में हमारा जो VTH का एक छोटा सा इक्वेशन दे देगा, उसमें बोलेगा VTH का वैल्यू फाइंड आउट करो, ये सब हमारा सर्किट लॉ में पूछता है। उसके बाद से मैग्नेटिक सर्किट के बारे में पूछता है, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैग्नेटिक सर्किट में जो है हम लोग हमारा जो है सोलेनोइड का हो गया, उसके बाद से फ्लक्स के बारे में कुछ, हमारा जो है इंडक्टेंस वाला जो फॉर्मूला है वो, ये सब जो है यहाँ से पूछता है। एसी फंडामेंटल्स में हम लोग लीड लैग पावर, उसके बाद से हमारा पावर का फॉर्मूला यूज करके वैल्यू, या फिर हमारा आर इक्विवेलेंट, हमारे यहाँ पे रेजोनेंट से भी क्वेश्चन पूछ जाता है कि हमारा जेड का वैल्यू, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी का वैल्यू, उसके बाद से बैंडविड्थ का रिलेशन क्या है, मतलब ये नॉर्मल यहाँ से बेसिक क्वेश्चन हमारा ये फ्रेम होता है। उसके बाद से हमारा दोस्तों जो है मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारा जो है बेसिक्स के बारे में, हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है इंडिकेटिंग टाइप, या फिर हमारा जो है जो PMMC इंस्ट्रूमेंट है, परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉयल, या फिर हमारा मूविंग आयरन हुआ, फिर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक हुआ, ये सब इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछता है। फिर हमारा इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप, ये हमारा बेसिक में पूछ जाता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में। उसके बाद से पूछता है एक्सटेंशन ऑफ एमीटर, एक्सटेंशन ऑफ मतलब वोल्ट मीटर, जो आर का वैल्यू क्या होगा। फिर हमारा जो है यहाँ पे जो पावर कैलकुलेशन का पूछ जाता है, करंट ट्रांसफार्मर या वोल्टेज ट्रांसफार्मर से बेसिक क्वेश्चन फ्रेम होता है, CRO से एक दो क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है, मतलब यहाँ पे हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का सिलेबस ये हो गया, ठीक है। ये ओवरव्यू मैं बस बता रहा हूँ, डिटेल पॉइंट जो है इसके बाद मैं दिखाऊंगा कि क्या क्या पूछता है। उसके बाद से हमारे इलेक्ट्रिकल मशीन है, फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर्स है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स, सिंक्रोनस मशीन, हमारा ये तीन यूनिट हुआ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद से हमारा ये पावर सिस्टम के अंदर आ जाता है क्या, जनरेशन एंड ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन हमारा। फिर एक और है पॉइंट जो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग वाला है। फिर हमारा ये डिप्लोमा का है, यहाँ पे यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा, सॉरी यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, UEE इसको हम लोग बोलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग इल्यूमिनेशन या जो कुछ भी पढ़ेंगे, ठीक है। एस्टिमेशन कॉस्टिंग, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारा पूछता है ट्रांजिस्टर वगैरह के बारे में, एम्पलीफायर के बारे में, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर, ये हमारा जो बेसिक ओवरव्यू हो गया सिलेबस का। उसके बाद से जो है यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन जो है वो कौन से पार्ट से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है नंबर सब क्वेश्चन बोलिए या मार्क्स बोलिए, क्योंकि एक क्वेश्चन एक नंबर का ही होता है, तो 29 क्वेश्चन पूछा है, यानी कि 29 मार्क्स का पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन है, मार्क्स कुछ भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारा जो है टॉपिक मैंने कैसे डिवाइड किया है, सबसे पहले मैं बेसिक कॉन्सेप्ट रखा हूँ, उसके बाद से मैग्नेटिक सर्किट, फिर इलेक्ट्रिकल मशीन्स, फिर पावर सिस्टम, फिर मेजरमेंट्स, फिर हमारा यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, ये हमारा एक यूनिट में मैंने रख लिया है। उसके बाद से लास्ट में हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है मैंने क्या किया कि सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5 2018 में जो 5 सेट में जो हमारा एग्जाम हुआ था उसका एनालिसिस मैंने यहाँ पे किया है। बहुत सारे जो है बुक में क्या किया कि एक ही जगह एवरेज करके दे दिया, लेकिन हम लोग यहाँ पे एग्जैक्ट एनालिसिस देखेंगे कि हमारा जो है कितना मतलब नंबर जो है कौन से पार्ट से पूछा जाता है। इससे क्या होगा आप लोगों को कि बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना होगा, एकदम जो है एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ने के लिए, कि अगर हमारा ये टॉपिक हम कवर करके जा रहे हैं तो हमारा इतना नंबर सही होना ही होना है। और क्या है कि अगर आप एक बार पढ़ लिए और बेसिक क्वेश्चन आप टिक कर लिए, रेगुलर बेसिक क्वेश्चन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर जो वीडियो अपलोड होता है उसको देखते रहें, तो आपका जो है कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है, कुछ भी अलग नहीं। बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या अलग पूछा जाएगा, जो आपको बेसिक्स पढ़ लिए तो बेसिक्स में वहीं से क्वेश्चन जो है बार बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो कि बहुत ईजी क्वेश्चन होता है उसको फ्रेम किया जाता है। यहाँ पे जो है दोस्तों देखिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं 2018 में सेट 1 में बेसिक कॉन्सेप्ट से जो है 29 क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि 29 मार्क्स का बेसिक कॉन्सेप्ट में हमारा जो है दोनों है यहाँ पे, बेसिक कॉन्सेप्ट और सर्किट लॉ, यानी कि बेसिक इलेक्ट्रिकल या फिर बेसिक नेटवर्क्स में हमारा 29 मार्क्स पूछा जाता है, 29 क्वेश्चन जो है पूछा जाता है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद से हमारा मैग्नेटिक सर्किट में जो है वो 12 क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, 12 क्वेश्चन में हमारा जो है हमारा MMF पे होगा, रिलक्टेंस पे होगा, उसके बाद से हमारा जो है मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में होगा, यही सब जो है तीन या चार टाइप के क्वेश्चन में हमारा 12 नंबर पूछ देता है, ठीक है। बहुत ही मतलब ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। इलेक्ट्रिकल मशीन में सिलेबस हमारा थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन वेटेज देखिए अगर दो टॉपिक हम लोग अच्छे से कवर कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन और बेसिक कॉन्सेप्ट, तो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर हमारा सही होगा तो इलेक्ट्रिकल मशीन हमारा
अच्छा होगा। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा सही नहीं है तो इलेक्ट्रिकल मशीन का जो है क्वेश्चन हम लोग टिक कर लेंगे याद करके, लेकिन हमारा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो यानी यहाँ देखिए, यहाँ दोनों मिलाकर के हमारा 25 और 29 यानी कि 54 मार्क्स का पूछा जाता है यहाँ से। ठीक है, जो कि हमारा 55% के आसपास हो गया 100 मार्क्स में, क्योंकि पेपर वन जो है हमारा 100 मार्क्स का होता है यहाँ, और दो ही टॉपिक से हमारा जो है 54 मार्क्स पूछ लिया जाता है। यानी कि अगर दो टॉपिक हम लोग यहाँ पे अच्छे से कर लें, कौन कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट और इलेक्ट्रिकल मशीन, तो हमारा मेजर जो है हो जाएगा। ठीक है, और मैग्नेटिक सर्किट के लिए हम लोग 4 या 5 फॉर्मूला जो है वो देख लेंगे, एक MMF का, एक रिलक्टेंस का यूनिट और रिलक्टेंस का फॉर्मूला, उसके बाद से हमारा जो है मैग्नेटिक मटेरियल जो होता है पारा मैग्नेटिक, फेरा मैग्नेटिक, डाया मैग्नेटिक, इसके बारे में हम लोग पढ़ लें, तो हमारे यहाँ से 3 या 4 क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, यानी कि 60% जो है हमारे ये 3 यूनिट से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से जो है पावर सिस्टम है, पावर सिस्टम में हमारा 2-3 क्वेश्चन जो है वहाँ से, यानी कि हमारा जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, कौन सा रिले यूज होता है, वो एक टॉपिक हो गया। उसके बाद से कंडक्टर के बारे में हमारा ट्रांसमिशन लाइन में जो है, उसके बाद से हमारा जो है सैग के बारे में पूछ देता है कि सैग जो है टेम्परेचर पर क्या डिपेंड करता है, तो यहाँ से हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन जो है देखिए फ्रेम हो रहा है। उसके बाद से मेजरमेंट में 6 मार्क्स का, इसमें भी ये भी आसान है, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और एस्टिमेशन क्वेश्चन में 12 नंबर, ये अगर आप छोड़ भी रहे, अगर आप ये डिप्लोमा के पेपर है, बीटेक में सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर आप लोग ये कवर कर लेते हैं, ये आपके लिए क्या होगा जो है बोनस होगा। ठीक है दोस्तों, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो सबको ही पढ़ता है, यानी कि अगर हम लोग अच्छे से तीन जो है पॉइंट कवर कर ले, अगर पावर सिस्टम और बड़ा सिलेबस हो जा रहा है, तो इसको अगर हम लोग स्किप भी कर रहे हैं, तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन 25 और बेसिक कॉन्सेप्ट 29, मैग्नेटिक सर्किट, और उसके बाद से अगर हम लोग यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में 150-200 क्वेश्चन है उसको पढ़ लेते हैं सिर्फ अगर हम लोग, तो यहाँ से हमारा जो है 70 मार्क्स जो है ईजिली प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमको मेनली 3 टॉपिक जो है हमारा इंपॉर्टेंट है, 3 मीन्स क्या क्या, बेसिक कॉन्सेप्ट जिसमें हमारा सर्किट लॉ भी है, इलेक्ट्रिकल मशीन, उसके बाद से मैग्नेटिक सर्किट। अगर ये 3 पेपर हम लोग 3 टॉपिक को अच्छे से कवर कर लिए, तो हमारा जो है आप खुद ऐड करके देख सकते हैं कितना नंबर का प्रिपरेशन हो जाएगा, 25, ये हमारा जो है अप्रॉक्सली 66 मार्क्स का यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, 3 टॉपिक में, बाद में हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल मशीन में जो है क्या क्या पढ़ना है, और मैग्नेटिक सर्किट में सिलेबस में क्या है, और बेसिक कॉन्सेप्ट में। फिलहाल हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं कि कितना क्वेश्चन जो है किस ईयर में कौन से टॉपिक से पूछा गया है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए सेट 2 में जो है बेसिक कॉन्सेप्ट से 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, फिर यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक सर्किट से 10 मार्क्स का, लास्ट ईयर में 12, यहाँ पे 10, यानी कि आसपास ही पूछा जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे भी देखिए इलेक्ट्रिकल मशीन से 2018 सेट 1 में जो है अगर 25 मार्क्स का पूछा गया है, तो सेट 2 में जो है 23 मार्क्स का पूछा गया है। ठीक है, पावर सिस्टम में अगर 10 मार्क्स का पूछा गया है, तो सेट 2 में भी 10 मार्क्स का पूछा गया है। मेजरमेंट में 6 मार्क्स का पूछा गया, तो यहाँ पे हमारा 11 जो है क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में 12 मार्क्स का पूछा गया है, तो हमारा सेट 2 में 10 मार्क्स का पूछा गया। ये देखिए आस पास ये 10 और 12 में 2 नंबर का अंतर है, लेकिन यही 1 और 2 नंबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है जी एग्जाम के लिए, क्योंकि कट ऑफ जो है बहुत ज्यादा जा रहा है अभी के समय में, 152-151 के आसपास कट ऑफ गया था लास्ट ईयर में इलेक्ट्रिकल के लिए। यहाँ पे देखिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है वो लास्ट ईयर में 6 क्वेश्चन था, 2018 सेट 2 में जो हमारा 7 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद से देखिए हम लोग जो है यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सेट 1 में 29 क्वेश्चन, सेट 2 में 30, सेट 3 में कितना 32, सेट 4 में 28, सेट 5 में 30, यानी कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है अप्रॉक्स 30 के आसपास है, एवरेज देखा जाए तो 30 के आसपास है, यानी कि 30 मार्क्स यहाँ पे हम लोग लेकर के चल रहे हैं। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट जो है अगर हमारा सही रहे, तो हम लोग जो है कितना नंबर का हमारा प्रिपरेशन हो जाएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट सही करने पे हमारा 30 मार्क्स का यहाँ पे प्रिपरेशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हमारा मैग्नेटिक सर्किट हम लोग देख रहे हैं, तो मैग्नेटिक सर्किट में जो है यहाँ पे हमारा सेट 1 में 12, सेट 2 में 10, सेट 3 में 7 और सेट 4 में 10, सेट 5 में 10, यानी कि इसका एवरेज जो है अप्रॉक्स 9 के आसपास या 10 के आसपास हम लोग ले सकते हैं। सिर्फ सेट 3 में 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि अगर हम लोग मैग्नेटिक सर्किट अच्छे से कर ले, तो हमारा 10 मार्क्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 10 मार्क्स का ये 10 क्वेश्चन हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से इलेक्ट्रिकल मशीन में आते हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन में दोस्तों देखिए यहाँ पे हमारा 25 सेट 1 में, 23 जो है सेट 2 में, सेट 3 में 21, सेट 4 में 20, सेट 5 में 23। यहाँ पे दोस्तों एक चीज देख रहे हैं हम लोग कि हमारा जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है यहाँ पे 20 अबव और 25 बिलो है, यानी कि हमारा अप्रॉक्स
एवरेज जो बोला जाएगा वो 22-23 के आसपास हो रहा था। यहाँ पे हमारा जो है अगर इलेक्ट्रिकल मशीन में हम लोग अच्छे से कर लेते हैं तो हमारे यहाँ पे 23 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग पावर सिस्टम में आते हैं, तो पावर सिस्टम में दोस्तों देखिए यहाँ पे 10 नंबर जो है हर साल पूछा गया, सिर्फ जो हर साल नहीं मतलब पर हर सेट में। उसके बाद सेट 5 में जो है 11 मार्क्स का पूछा गया है, तो यहाँ पे जो है हम मान सकते हैं कि एवरेज हमारा 10 मार्क्स यहाँ से प्रिपरेशन करने पे हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों मेजरमेंट्स में देखिए क्या हो रहा है, मेजरमेंट्स में जो है 6 फिर 11 फिर 12 फिर 12 फिर 10, यानी कि इसमें हम लोग 8 मतलब 8 नंबर भी अगर हम लोग एवरेज लेकर के चले 8 या 9 मार्क्स लेकर के चले तो हमारे यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों हमारा जो है दो टॉपिक जो यहाँ पे मैंने एक साथ लिखा है, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, इन दोनों का एवरेज जो हम लोग लेकर चले तो 10 मार्क्स हम समझ सकते कि ये दोनों टॉपिक मिला के पूछा जाएगा, मिनिमम 10 मार्क्स तो पूछना ही पूछना यहाँ से, यानी कि यहाँ पे हमारा 10 मार्क्स हो गया, ठीक है दोस्तों। अब हमारे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में ये हमारा 6 के अबव भी पूछा और 7 के भी, यानी कि हमारा यहाँ पे एवरेज 6 मार्क्स का है, एवरेज जो हमारा यहाँ पे 6 मार्क्स का है, ठीक है। 6 क्वेश्चन हमारा यहाँ से आना ही है, यहाँ से 10 मेजरमेंट में 9 पावर सिस्टम 10 क्वेश्चन बोलिए या 10 नंबर बोलिए, क्योंकि एक क्वेश्चन एक नंबर का ही आता है तो हमारा दोनों ही सही है, ठीक है, कोई यहाँ घबराने वाली बात नहीं है। 100 नंबर का पूछा जाता है यहाँ पे, पूरा सिलेबस जो है हमारा 100 नंबर के पेपर वन का। अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग एक चीज यहाँ पे देखिए कि अगर हम लोग को 60 प्लस लाना है 70 लाना है मिनिमम, मैं बता रहा हूँ एवरेज स्टूडेंट के लिए, तो हमको 70 लाना है तो उसके लिए हम लोग को कितना पेपर पढ़ना पड़ेगा। अगर हम लोग पेपर वन सॉरी बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिए पहला तो 30 मार्क्स, मैग्नेटिक सर्किट पढ़ लिए 10 मार्क्स 40 मार्क्स हो गया टोटल, इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़े हम लोग तो 23 मार्क्स कितना हो गया हमारा 40 और 23 63 हो गया। उसके बाद से अगर हम लोग मेजरमेंट्स पढ़ लिए छोटा सा टॉपिक है तो कितना हो गया हमारा 40 63 और 9 कितना हो गया 72, यानी कि अगर हम चार पेपर अच्छे से पढ़ रहे तो हमारा 72 नंबर इजीली हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पावर सिस्टम में अगर अच्छे से थोड़ा बहुत सेट सीरीज टेस्ट वगैरह भी दिए हैं तो हमारा पावर सिस्टम में एक दो क्वेश्चन सही होना ही होना है। और यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम लोग और एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में 200 या 250 क्वेश्चन जो होता है ये भी गुप्ता का, अगर उसको अच्छे से कर ले तो यहाँ से भी मतलब हमारा जो है कुछ क्वेश्चन को ही रिपीट करता है, 10 क्वेश्चन एक टॉपिक से 10 क्वेश्चन एक टॉपिक से जो है उसी में से पूछा जाता है, तो यहाँ 2-3 क्वेश्चन यहाँ से भी हो जाएगा। अगर इतना एक्यूरेट करके हम लोग पढ़े तो हमारा जो है इजीली 70 प्लस आ जाएगा, मतलब एक अच्छा नंबर हो 70, उसके बाद नॉर्मलाइज होकर वो 80 हो जाएगा या 75 हो जाएगा, बढ़ेगा ही घटेगा नहीं, ठीक है। अब देखिए ये तो हमारा 2018 का हो गया एनालिसिस। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि चैप्टर वाइज जो है एक बुक में था उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया, क्योंकि हमारे पास जो है जो मैं सबसे लेटेस्ट उसको मैं एनालाइज किया हूँ 2018 का, यहाँ पे 2018 का एवरेज लिख दिया है लेकिन मैं जो अलग अलग करके लिखा हूँ। यहाँ पे देखिए क्या बोला है, यहाँ पे हमारा जो 2017 में है बेसिक इलेक्ट्रिकल से कितना 8, सर्किट लॉ से 15, यहाँ पे हम मैंने जो लिखा था ये दोनों को एक में करके लिखा था, ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिकल और सर्किट लॉ को एक में लिखा था, ठीक है। उसके बाद से मेरा जो एसी फंडामेंटल तीनों जो है वह एक में था, यानी कि हमारा जो है बेसिक्स में बेसिक नेटवर्क्स में मैंने तीनों ले लिया था, कौन कौन सा, बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट लॉ और एसी फंडामेंटल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो 2017 में जो है कितना क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे 30 मार्क्स का पूछा गया था 2017 में भी जो है हमारा 2017 में भी जो है बेसिक से कितना पूछा गया था 30 मार्क्स का पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद से जो है मैग्नेटिक सर्किट से जो है कितना नंबर का 10 मार्क्स का, देखिए अभी एवरेज जो है वो सेम ही है हमारा, 10 मार्क्स पहले ही लिया हुआ है 2017 का मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद से देखिए यहाँ पे हमारा मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में 9 नंबर पूछा गया, 9 क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए मेरा एवरेज 9 है, यानी कि मेरा यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन सही है। उसके बाद से जो है यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल मशीन जो है इलेक्ट्रिकल मशीन में हमारा 23 नंबर मेरा एवरेज है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मशीन देखिए 26 नंबर का पूछा 2017 में, 26 नंबर यानी कि 26 क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद से दोस्तों हम लोग जो है जनरेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पावर सिस्टम यहाँ पे 13 है, मेरा एवरेज क्या है 10 है, यानी कि पैटर्न जो है वो सेम ही है, बस क्या हुआ है कि हम लोग जो है 2018 का जो कर रहे हैं वो लेटेस्ट है उसके अनुसार ही पूछ रहे हैं। जैसे जैसे हमारा जो है मतलब लास्ट ईयर का जितना एनालिसिस करके आप पढ़ेगा उतना बेहतर होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे यूटिलाइजेशन एंड कॉस्टिंग यहाँ पे जो है 5 नंबर का पूछा गया, ठीक है, मेरा यहाँ पे एवरेज कितना है 10 नंबर, यहाँ पे मेरा एवरेज गड़बड़ हो गया, लेकिन
2018 में हो सकता है कि शायद कुछ वेटेज बढ़ गया हो इसका। उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ 7 नंबर का पूछा गया, मेरा एवरेज कितना है, मैंने जो 2018 का एनालिसिस किया था उसमें 6 नंबर, यानी कि यहाँ पे 7 नंबर। देखिए अब देखिए जो हमारा जो है एवरेज और 2017 भी आसपास ही है, 2017 में भी जो है बेसिक कंसेप्ट में 30, मेरा 30 था 2018 का, यानी कि हम लोग जो है यहाँ पे भी देख रहे हैं कि अगर हम लोग 2017 में भी अगर 4 पेपर प्रिपेयर करके देंगे तो हमारा 70+ ही आएगा। अब जो है यहाँ पे हम 2015 का देखते हैं, 2015 में देखिए बेसिक इलेक्ट्रिकल में 11, सर्किट लॉ में 11 और एसी फंडामेंटल में 8, यानी कि यहाँ पे 30 नंबर हो गया। 11 क्वेश्चन बेसिक इलेक्ट्रिकल, 11 क्वेश्चन सर्किट लॉ और 8 क्वेश्चन जो है एसी फंडामेंटल, तीनों को मिला के मैंने एक जगह लिखा हुआ था। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है 2000 कब का मैं ले रहा हूँ, 2015 का, 2015 में जो है बेसिक कंसेप्ट से मेरा 30 क्वेश्चन। ठीक है अब जो है हम लोग यहाँ पे कौन सा मैग्नेटिक सर्किट देख रहे हैं, कब 2015 का, देखिए 14, मेरा एवरेज कितना था 10 था। उसके बाद से जो है हमारे एसी फंडामेंटल और सर्किट लॉ बेसिक इलेक्ट्रिकल तो मैंने बेसिक में लिखा है, मेजरिंग एंड मेजरमेंट्स जो था इसमें हमारा कितना 9 क्वेश्चन यानी कि 9 मार्क्स का। उसके बाद से हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन में देखिए, इलेक्ट्रिकल मशीन में 25 लिख ले रहे हैं, हमारा भी 25 ही था 2018 का जो मैंने एनालिसिस किया था। उसके बाद से हमारा जनरेशन एंड ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या स्थिति है, 9 नंबर, यानी कि हमारा पावर सिस्टम में 9 नंबर। ठीक है आप एवरेज से मिला सकते हैं कि आसपास ही हम लोग, क्योंकि कॉस्टिंग वाला हमारा कितना 5 और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक जो है वो 8, उसको भी लिख लेते हैं, कॉस्टिंग जो है 5 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स 8। यानी कि अगर हम लोग फिर से देखते हैं, अगर 2015 में अगर हम लोग पेपर देते 4 पेपर पढ़ के बेसिक कॉन्सेप्ट मैग्नेटिक सर्किट इलेक्ट्रिकल मशीन और मेजरमेंट्स, तब हमारा कितना नंबर होता, 30, 44 और 25 कितना हो गया हमारा 69। उसके बाद से हमारा ये 9, यानी कि 69 अप्रॉक्स 78 मार्क्स का हमारा जो है सही हो जाता है अगर 4 पेपर हम लोग पढ़ के जाते हैं, कौन कौन सा बेसिक कॉन्सेप्ट मैग्नेटिक सर्किट इलेक्ट्रिकल मशीन और मेजरमेंट। तो हम लोग यहाँ पे देखें कि हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगा जिसके लिए हम लोग को पढ़ना होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट मैग्नेटिक सर्किट इलेक्ट्रिकल मशीन और मेजरमेंट्स। तो आप लोग यहाँ पे देख लिए कि हमारा जो है 2014, 2015, 2017, 2018 का एनालिसिस जो है वहाँ पे देख लिए कि हम लोग एवरेज जो है हमारा कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बेसिक कॉन्सेप्ट में 30, मैग्नेटिक सर्किट में हम 10 ही ले रहे हैं, 10 या 12 ले लीजिए, इलेक्ट्रिकल मशीन में 25, पावर सिस्टम में 10 लिए थे, मेजरमेंट्स में 10 ले लीजिए, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में 5 ले लीजिए, बेसिक इलेक्ट्रिकल में 5 ही पूछता है यहाँ पे, ठीक है 5 या 6 ले लीजिए। ठीक है तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो 4 टॉपिक है बेहद इंपॉर्टेंट है, बेसिक कॉन्सेप्ट मैग्नेटिक सर्किट इलेक्ट्रिकल मशीन और मेजरमेंट। हम लोग जो है अपना एनालिसिस को यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो है सिलेबस ही आएगा लेकिन हम लोग एक एक पॉइंट्स को डिस्कशन करेंगे। देखिए मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख के रखा है बेसिक कॉन्सेप्ट सर्किट लॉ, उसके बाद से मेरा यहाँ पे है मैग्नेटिक सर्किट के बारे में क्या क्या पढ़ना है, यहाँ पे मैं एक एक पॉइंट्स को जो है वो डिस्कशन करूंगा। तो आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आया होगा, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा, और ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।